नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइफ स्टीज देख रहे हैं। आज चर्चाएं बहुत पुरानी होगी, 1990 के दशक की चर्चाएं होंगी, क्योंकि आप जानते हैं लालू प्रसाद यादव, जिनकी मुश्किलें इन दिनों बढ़ गई हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से उनका एक ऑडियो जो वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है कि एनडीए के विधायक को उन्होंने खरीदने की कोशिश की, मंत्री पद का ऑफर किया, ताकि बिहार में कैसे भी जोड़ तोड़ करके वह एनडीए की सरकार बना ले। लेकिन सीनियर जर्नलिस्ट गैंशो हमारे साथ हैं। हम आज कहानी सुनाने जा रहे हैं फॉर्डर स्कैम की, चारे घोटाले की, और क्यों चारा घोटाला के समय सीनियर जर्नलिस्ट गैंशो इस वक्त बैठे हुए हैं। इन पर 5 करोड़ का मानहानि का मुकदमा हुआ चारा घोटाले के वक्त की। इस कहानी को हम शुरू करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट गैंशो हमारे साथ हैं। पहले हम जहाँ तक हम जानते हैं, हम तो नई पीढ़ी के हैं, आप कई अखबारों में काम कर चुके हैं, उसके बाद आपने बिहार में इस डिजिटल के माध्यम से लाइफ स्टाइल को जन्म दिया। लोगों ने यूट्यूब पर भी ये जानना चाहा कि क्या खबरें दिखती हैं, वीडियोस दिखते हैं। पहले वेबसाइट पर खबरें बिकती थी, अब वीडियोस भी काफ़ी तेज़ी से वायरल होते हैं। वीडियोस का ज़माना आया, आपने लाइव स्ट्रीम्स को खोला, कई लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। 1996 के दशक में सुना है चारा घोटाला जब हुआ था, उस वक्त 5 करोड़ के मानहानि का मुकदमा आप पर भी किया था ममता कुलकर्णी, बॉलीवुड की एक्ट्रेस ने। क्या हुआ था पूरा मसला? देखिए आलोक, आपने बहुत पुराना प्रसंग छेड़ दिया और आज लालू यादव फिर से मुश्किल में फंस गए हैं, सुशील मोदी के लपेटे में आ गए हैं। सुशील मोदी लपेटे में ले ही लेते हैं लालू यादव को। दरअसल परेशानी ये है कि लालू यादव बहुत हड़बड़िया नेता हैं, वे अपना अपराध स्वीकार भी लेते हैं, मायावी हैं, आपसी बातचीत में, कोर्ट में भले ना स्वीकारें, वे अपना अपराध स्वीकार भी लेते हैं और कहते हैं कि वे भोले हैं, इसलिए उनसे हो जाता है। मायावी भी लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं, जो पुराने पत्रकार कहते हैं। आज का जो प्रसंग है, अभी जो मुश्किल में फंसे हैं लालू यादव, लालू यादव मोबाइल की दुनिया में बहुत अपडेटेड नहीं है। लालू यादव ने एनडीए के विधायकों को तोड़ने के लिए फोन किया, यह सभी लोग जान रहे हैं। दरअसल पता नहीं कैसे लोगों ने यह समझा दिया कि व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड नहीं होता है और इसी लपेटे में लालू यादव आ गए। देखिए, हमारे आप जैसे लोग जानते हैं कि व्हाट्सएप कॉल को भी रिकॉर्ड करना बहुत आसान हो गया। मतलब यदि आप टेक्निकली बहुत साउंड नहीं भी हैं तो बस 2 मोबाइल का खेल है, एक पर बात कीजिए, दूसरे पर रिकॉर्ड कर लीजिए। और इस लपेटे में लालू यादव फंस गए। अब लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपने जिस प्रसंग की चर्चा कर दी 1996-97 की, इसके पहले आपने कहा कि वेबसाइट पर खबरें बिकती, देखिए खबरें बिकती नहीं है, खबरें चलती हैं और खबरें असर करती हैं। तो 1996-97 में जब चारा घोटाला की रिपोर्टिंग हम लोग कर रहे थे, तब मैं आज अखबार में था, मेरा सफर शुरू हुआ था, और चारा घोटाले की रिपोर्टिंग में पटना में हम लोग 4-5 लोग, मैं था आज अखबार में, मैं तो तब जूनियर ही था, नवीन उपाध्याय थे, बड़े खुलासे कर रहे थे, लव कुमार मिश्रा थे, दीपक मिश्रा थे, हम सभी लोग चारा घोटाले के खुलासे बड़े तौर पर कर रहे थे। हाँ, क्योंकि कहा था कि 90 के दशक में 950 करोड़ का जब घोटाला हुआ चारा घोटाला, तो काफी चर्चित रहा, सबसे बड़ा रहा। देखिए, उस जमाने की बात आपको कहें, जब चारा घोटाले की परतें खुलने जा रही थी, आपको हम ममता कुलकर्णी की कहानी पर बाद में आते हैं। देखिए, रांची में चारा घोटाला जहां सबसे बड़ा हुआ, इसलिए रांची में लालू यादव कैद भी हैं, उस वक्त झारखंड और बिहार एक। हाँ, तो रांची में एक कश्मीर वस्त्रालय नाम की दुकान है, कपड़ों की सबसे बड़ी दुकान, और उस अखंड बिहार में, मतलब अविभाजित बिहार में, बिहार में भी उतनी बड़ी कोई दुकान नहीं थी। तो रेमंड्स कंपनी ने सूट लेंट बनाया, कोट पैंट का कपड़ा, तो सूट लेंट बनाया, तो कुछ एक्सक्लूसिव पीसेज ऐसे बनाए गए जिनमें जो आपने, यदि आपने कोट पैंट का देखा होगा, सूट पीस देखा होगा, तो उसमें धारियां आती हैं, तो गोल्डन धारियां थी, तो जो गोल्डन धारियां थी वो सोने की धारियां थी, मतलब गोल्ड थी, ठीक है ना। तो काफी कम संख्या में बना था, लेकिन रेमंड्स ने जितनी भी बनाई थी
उसमें सबसे अधिक बिक्री रांची में हुई थी, क्योंकि रांची में तब चारा घोटाले की वजह से अपराध पैसा था, अपराध पैसा था। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे अधिक बिक्री गोल्ड प्लेटेड सूट लेंड की रांची में हुई, न कि दिल्ली में न मुंबई में। लोगों ने खरीदा होगा, हाँ, लोगों ने खरीदा होगा, पैसा तो इस तरीके से आ रहा था कि पूछिए मत। सोचिए 90 के दशक में 950 करोड़ रुपए। आप समझ सकते हैं। तो जो खरीदने वाले लोग थे वे भी चारा घोटाले में शामिल थे, और बात बढ़ते 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 लालू यादव तक पहुंच गई थी। आप ममता कुलकर्णी की बात कर दिए, देखिए इसके पहले आपको हम बताते हैं कि लालू यादव जब निजी बातचीत करते हैं लोगों से तो वो कैसे लपेटे में आते गए इसकी कबूलगी भी करते हैं। मैंने कहा कोर्ट में भले ना करें। आर के राणा ने सबसे पहले उन्हें फांसा जब वे पहली बार मुख्यमंत्री बने। मुझे याद है लालू यादव जब मस्त मौला थे, बिहार की सत्ता में थे, जेल का चक्कर नहीं था, तो शाम की बैठकी लगती थी उनकी, और जब केस मुकदमा में फंस गए थे तो शाम की बैठकी भी रंगीन होती थी। उनके साथ दो बैठने वाले लोग नियमित तौर पर थे, या यूं कहें कि जिन्हें बुलाया जाता था, उनमें एक नहीं रहे, दोनों पत्रकार थे। एक थे राधिका रमन बालन, हिंदुस्तान के चीफ रिपोर्टर हुआ करते थे, अब वे इस जमाने में नहीं है, स्वर्गवासी हो गए हैं, और दूसरे के सिंह, टाइम्स ऑफ इंडिया के चीफ रिपोर्टर हुआ करते थे। ये दोनों लालू के दोस्त थे। तो जब शाम की बैठ के जमा करती थी तो लालू कहते थे कि वो कैसे लपेटे में फंसते चले गए। खैर, तो देखिए के सिंह आज भी गवाह हैं, जब आप मिलेंगे तो वो लालू की बैठकी की रंगीन बातें आपको सुनाएंगे। ममता कुलकर्णी की बात आपने कर ली। नहीं, ममता कुलकर्णी पर हमारे से पहले इस बात को समझना चाहेंगे कि ऐसी किसी मुंबई में रहने वाली एक्ट्रेस ने थोड़ी केस कर दिया होगा, कुछ तो हुआ होगा। सुनने में तो ये तक आया था कि कुछ ऐसा आर्टिकल छप गया था आज अखबार में जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया था। देखिए हुआ क्या था कि यूएन विश्वास सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर थे, जो चारा घोटाले की मॉनिटरिंग कर रहे थे और चारा घोटाले की जो जांच चल रही थी उसके हुए अधिकारी थे, बड़े कड़क अधिकारी थे। जब रिटायर हुए तो वो बंगाल में मंत्री भी बने। यूएन विश्वास ने लालू यादव का जीना हराम कर दिया था। यूएन विश्वास यहाँ जब उनके लिए अस्थायी केंद्र बनाया गया था तो बोलिंग चौराहे पर भागवत जहाजात का आवास था, जिसे सीसीएल ने किराए पर ले रखा था गेस्ट हाउस में, उसी में यूएन विश्वास ठहरा करते थे। और हम लोग जो चारा घोटाले को कवर कर रहे थे नियमित रूप से, हम लोग को जानकारी मिलती थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये जानकारियां मिलती थी। एक दिन का वाक्य है कि चारा घोटाले की जांच में लगे एक अधिकारी ने एक इनपुट ये दे दिया कि ममता कुलकर्णी तब के जमाने की सबसे हॉट बॉलीवुड स्टार एक्ट्रेस, वो भी चारा घोटाले के पैसे पर नाची है, चारा घोटाले के पैसे पर नाची है। उसे चारा घोटाले में शामिल कुछ लोगों ने बुलाया और बंद कमरे में प्राइवेट पार्टी में डांस कराया। ये खबर हमें मिली। देखिए मैं भी नया था, मैं कानूनी दांव पेच को बहुत नहीं समझता था। इस खबर पर, इस सूचना पर सीबीआई काम कर रही थी। मैं आज अखबार में नौकरी कर रहा था और तब मेरी तनख्वाह मात्र 1265 रुपए थी। 1265 रुपए। मैंने सीबीआई के सूत्रों के हवाले से यह खबर मैंने फाइल कर दी। तब हमारे संपादक चंदेश्वर हुआ करते थे आज अखबार में, सीमित संसाधनों में चलने वाला अखबार आज अखबार, लेकिन सबसे मारक अखबार, नहीं डरने वाला अखबार, बेलौस बोलने वाला अखबार। मैंने खबर फाइल कर दी और मैं चला गया घर। देखिए उस वो जमाना था जब एक एक बाइलाइन स्टोरी के लिए रिपोर्टर बड़ी मार किया करते थे, लेकिन मैंने उस खबर में, बाइलाइन का मतलब होता है कि जो खबर आपके नाम से छपे, मैंने उस खबर में अपना नाम छपवाने को दावा नहीं किया था, क्योंकि मुझे इस बात का अंदेशा था कि यह खबर जो मैंने लिखी है संभव है कि सीबीआई के कुछ अधिकारियों ने कुछ और रिपोर्टर्स को बता दी हो, तो इसलिए एक्सक्लूसिव शायद न हो। लेकिन देर रात को मैं जब घर चला गया, सुबह अखबार आया, तो मैंने देखा कि अखबार के पहले पन्ने पर टॉप स्टोरी
चारा घोटाले के पैसे पर नाची या चारा घोटाले के रुपए पर नाची ममता कुलकर्णी, यह खबर लगी हुई है मेरे नाम से। मतलब नाम था या नहीं था? हाँ नाम था, मेरे नाम से। एडिटर को पावर होता था, उन्होंने मेरा नाम लगा दिया और उसमें ममता कुलकर्णी की तस्वीर भी लगी हुई थी। अब यह खबर तो वायरल हो गई, यह खबर हंगामा खड़ा कर दिया। देखिए उस खबर में कहीं इस बात का जिक्र नहीं था कि ममता कुलकर्णी जिस पार्टी में उपस्थित थी वहां क्या लालू प्रसाद थे। देखिए मेरा अब भी मानना है कि उस पार्टी में लालू प्रसाद नहीं थे, लेकिन इस खबर ने इतना बड़ा हंगामा कर दिया और चारा घोटाले के लपेटे में सबसे अधिक लालू यादव थे, तो लोगों ने कई तरीके की कहानियां गढ़नी शुरू कर दी और यह खबर आज अखबार पटना में छपी और यह खबर मुंबई तक पहुंच गई। मुंबई तक कैसे पहुंची, किन लोगों ने पहुंचाई, देखिए वो जमाना इंटरनेट का नहीं था, वो जमाना इस तरीके से खबरों के वायरल होने का भी नहीं था। बिहार झारखंड में आज अखबार की हैसियत तो थी, बनारस में थी, ठीक है। अखबारों में भी अगर आप बात करें तो अखबारों में वो जाहिर सी बात है कि मंत्रियों ने पढ़ा होगा, कई विधायकों ने पढ़ा होगा, अगले दिन से तो और कई अखबारों में वो खबर छापी, लेकिन चूंकि पहली खबर मेरी थी, 5-10 दिनों के बाद मुझे एक प्रेम पत्र मिला मुंबई के एक कोर्ट से। प्रेम पत्र ही कहेंगे ममता कुलकर्णी के वकील का, और वो प्रेम पत्र था 5 करोड़ की मानहानि का आलोक। 1265 रुपए के तनख्वाह पर काम करने वाले रिपोर्टर ज्ञानेश्वर को 5 करोड़ की मानहानि का मुकदमा आप झेलना। 96-97 के दौर में जी घर था उसके पास, वो भी नहीं था अपना पटना में, वो भी नहीं था, नहीं था। मेरे पिताजी शिक्षक थे। तो 5 करोड़ की मानहानि का मुकदमा, मैं तो अवाक रह गया। मैं अपने संपादक पर चिल्लाया, ये आपने क्या किया, आपने मेरा नाम क्यों छाप दिया था, यदि आप नहीं नाम छापे होते तो अखबार पर मुकदमा होता, अखबार लड़ लेता, मैंने तो आपसे नाम छापने के लिए गुजारिश नहीं की थी। तो मेरे तो होश फाकता हो गया लोग। अब कहानियां कई तरीके की बनने लगी, लोग कई तरीके की खबरें छापने लगे, लेकिन मेरे लिए चिंता की। उस वक्त ममता कुलकर्णी के वकील ने सिर्फ आपको लेटर भेज दिया, नहीं कोर्ट की तरफ से आ गया था, ठीक है ना। अब तो मैं जब घर गया रात को, उस समय मोबाइल भी नहीं आया था, मैं जब घर गया रात को तो पिताजी ने डांट पिलाई, माँ ने डांट पिलाई, 5 करोड़ का मुकदमा, 1265 रुपए का तनख्वाह वाला रिपोर्टर बेटा, और पिताजी शिक्षक कहां से देगा। पिताजी ने साफ साफ कहा कि ये तो पूरे परिवार का खून का कतरा कतरा भी बिक जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं, तभी हो नहीं पाएगा। हाँ, तब भी नहीं होगा। और अब कहां जाकर मुंबई में मुकदमा लड़ेंगे, आज तक कोई कोर्ट कचहरी, मैंने देखिए मैंने क्राइम रिपोर्टिंग में बहुत नाम कर लिया था लेकिन आज तक कोई कोर्ट कचहरी का वास्ता नहीं पड़ा था। क्या करें क्या ना करें, पहली बार कोई कोर्ट का प्रेम पत्र मिला था, वो ममता कुलकर्णी से मुकदमा। अखबारों में हम आप थोड़ा सा जाना चाहेंगे, अखबारों में कब से काम कर रहे हैं? नहीं मैं अखबार में तो देखिए मैं अखबार में जब बीकॉम फर्स्ट ईयर में था, साल ये होगा साल 87 87 से काम कर रहे हैं, ठीक 10 साल के बाद, 10 साल का तब भी एक्सपीरियंस उस वक्त था। हाँ था, यानी कि ये नहीं था कि एकदम नए थे कि कुछ भी लिख दिया तो केस हो गया। नहीं 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 देखिए केस तो हुआ ही नहीं था। देखिए एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, जब मैं 20 साल और 21 साल का था तब मुझे बिहार के मुख्यमंत्री से सीधा वास्ता हो गया था और लोग मुझे जानने लगे थे। मैं अपने बारे में इतनी बातें कहना ठीक नहीं है, लेकिन मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में रिपोर्टर बन गया था, यूनिवर्सिटी रिपोर्टर बन गया था, और बीकॉम सेकंड ईयर में मुझे सिक्योरिटी मिल गई थी क्योंकि मैंने बीएन कॉलेज के एक एडमिशन रैकेट को भंडाफोड़ कर दिया था। खैर चलिए वो बात कभी और करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, जब नोटिस आ गया, प्रेम पत्र आ गया, ममता कुलकर्णी मैं तो ममता कुलकर्णी की तस्वीरें ही देखता रहा, मैं ममता कुलकर्णी देखा हाँ, भी नहीं सोचा ही नहीं, कल्पने में तो सिनेमा के पर्दे पर देख सकते थे ना। और ममता कुलकर्णी तो उस समय सबसे हॉट स्टार थी, लोगों ने तो कहा कि अब ज्ञानेश्वर गया, लेकिन देखिए कोई तो मदद करने वाला मिल ही जाता है, अंधेरे में दीपक जलाने वाला कोई ना कोई मिल जाता है। मैं अपनी समस्या लेकर यूएन विश्वास के पास गया, जिस ज्वाइंट डायरेक्टर की बात कर रहा था सीबीआई की, उन्होंने कहा घबराने की बात नहीं है, इस मामले में ममता कुलकर्णी से पूछताछ होनी है तो इसलिए थोड़ा सब्र करो। लेकिन यहाँ सब्र की कहाँ बात थी, यहाँ तो मुंबई की कोर्ट में हाजिरी लगानी थी। मुंबई 2 दिन जाना, अखबार वाले तो अलग परेशान थे, छुट्टी नहीं 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 छुट्टी की बात नहीं है ना, नोटिस तो उनके नाम भी थी ना, तो वो तो कह रहे थे कि तुम अपनी स्टोरी का सबूत पेश करो। अब सबूत कहाँ से लाएं भाई, उस जमाने में कोई वीडियो तो बनता नहीं था कि वीडियो कि हाँ कि कोई सबूत कहाँ से लाएं। अब ये इतनी सारी समस्या है, लेकिन
सीबीआई के अधिकारी कह रहे थे कि देखिए यह बात सही है कि चारा घोटाले के पैसे पर ममता कुलकर्णी नाची है। चारा घोटाले के पैसे पर नाचने का मतलब यह हुआ कि जो प्राइवेट पार्टी आयोजित की गई थी जिसमें ममता कुलकर्णी आई थी उसमें चारा घोटाले के कई बड़े आरोपी शामिल थे और उन्हीं लोगों ने बुलाया था, लेकिन इसे प्रमाणित करने को सबूत क्या मिलता? तो खैर सीबीआई ने भी पहल करी, लेकिन मैं कैसे बचा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने कहा ना 1265 अंधेरे में फिर दीपक किसने जलाया? लेकिन मैं चला गया दिल्ली, मैंने मगध एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी और चला गया दिल्ली। कोर्ट में हाजिर लगाई थी मुंबई, चले गए पहले दिल्ली। पहले कोई रास्ता तो निकालते हैं ना अंधेरे में दीपक का। दिल्ली में मेरे एक मित्र थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब नहीं है, अजीत सिंह साहब, कॉलेज में हमसे 4 क्लास लिए थे, तो उनसे बातचीत हुई। फिर दिल्ली में कुछ लोग और मिले और उन्होंने मेरे लिए बाला साहेब ठाकरे को कहा, अजीत सिंह साहब ने नहीं। दिल्ली में कुछ लोग और मिले, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, बाला साहेब ठाकरे। उस समय उद्धव ठाकरे जी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनकी उम्र तो कम ही थी, मैं तो और भी छोटा था। कहते हैं महाराष्ट्र में उनका धाक चलता है। नहीं, महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र बाला साहेब ठाकरे की बात, आप महाराष्ट्र के लिए तो भगवान रहे हैं ना। लोग कहते हैं कि यदि बाला साहेब ठाकरे नहीं होते तो वहां दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी ने तो पूरा खेल कर ही दिया था। तो ठीक है, तो मैं दिल्ली में था, अब घर से परेशानी, ऑफिस से परेशानी, मुझे लग रहा था कि मेरा कैरियर तो चौपट होने वाला है। मैं पहुंच गया दिल्ली और दिल्ली में जिस व्यक्ति ने बाला साहेब ठाकरे को मेरे बारे में कहा, अब बात हुई कि मैं मुंबई कैसे जाऊं। उसके पहले मैं जहाज सिर्फ एक बार चढ़ा था, अब मेरे पास दिल्ली से मुंबई जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन वही है ना, अंधेरे में दीपक जलाने वाला कोई मिल जाता है। संघर्ष के दिन में साथी कोई मिल गया। तो उन्होंने टिकट कटवा दिया और एयरपोर्ट के पास एक होटल में रहने की व्यवस्था करा दी। मैं मुंबई पहुंचा, अगले दिन मातोश्री जो बाला साहेब ठाकरे का आवास है वहां गया, वहां उनसे मुलाकात हुई। लेकिन पहली मुलाकात से मुझे यह लगा, देखिए मेरा तजुर्बा कम था, मेरा अनुभव कम था, अब बाला साहेब ठाकरे का तो विराट व्यक्तित्व। मैं दूसरी बार मुंबई गया था, पहली बार मैं कॉलेज की ट्रिप में गया था, तो मुझे पहली मुलाकात में लगा कि मेरी बात को उन्होंने हल्के में लिया, या मेरे लिए जिन्होंने सिफारिश की है उनकी बात को भी ये हल्के में ले रहे हैं। देखिए परेशान आत्मा तो सबसे पहले अपनी परेशानी का रिजल्ट चाहता है, लेकिन जिसे रिजल्ट देना होता है वह जानता है कि रास्ता क्या होता है। तो बाला साहेब ठाकरे ने बाकी सारी बातें पूछी हमसे और यह कहकर मुझे विदा कर दिया पहली मुलाकात में कि आप कल सुबह आइए। मैं कल सुबह 10 बजे बुलाया गया था, मैं 9 बजे फिर से हाजिर हो गया अपनी अर्जी लेकर। बाला साहेब ठाकरे से फिर मुलाकात हुई, उन्होंने उद्धव ठाकरे को बुलाया और उन्होंने कहा ममता कुलकर्णी को बुला लो और इनसे बात कराकर इस मुकदमे को वापस करा दो, मतलब मामले को सॉर्ट आउट करो। उन्होंने जिस आसानी से कहा, मेरी बात समझ में आई नहीं कि उन्होंने जिस आसानी से कहा और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी को कहा कि ममता कुलकर्णी को बुला लो और इस मुकदमे को वापस कराओ, क्या यह संभव भी होगा? अब उद्धव ठाकरे जी मुझे अपने कमरे में लेकर गए, उन्होंने पूछा कोई वकील है क्या? मैं क्या जानूं मुंबई में वकील, और मैं क्या कुछ कहूँ। मैंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो न रहने का ठिकाना न फला का ठिकाना, ऑटो से आ रहे थे जा रहे थे होटल से। तो खैर उद्धव ठाकरे जी ने वकील की व्यवस्था भी करा दी और बात तय ये हुई कि शाम को 4 बजे हम लोग फिर मिलेंगे जब ममता कुलकर्णी होंगी। तो मुझे फिर से देखिए 11 बजे, मैं 10 बजे मुलाकात हुई, 11 बजे मैं वहाँ से निकला, 11 बजे से 4 बजे तक यह लगता रहा, पता नहीं ममता कुलकर्णी आएंगी कि नहीं आएंगी, आएंगी तो क्या कह देंगी, क्या बोलेंगी, तैयार होंगी कि नहीं होंगी। मैं घर पर फ़ोन करता, घर के लोग परेशान थे, अखबार के दफ्तर में लोग परेशान थे, मैं क्या करूँ ना करूँ। देखिए मैं कभी अर्काइव तलाशूंगा तो मैं वो अखबार की कटिंग में निकालूंगा जो खबर थी कि चारा घोटाले के पैसे पर नाची ममता कुलकर्णी। खैर 4 बजे ममता कुलकर्णी बिल्कुल समय से पहुंच गई, ममता कुलकर्णी से मुझे मिलवाया गया। पहली बार मिले भाई, मैं कहाँ मिलने वाला था, मुझे
कहाँ ममता कुलकर्णी, कहाँ बाला साहब ठाकरे, कहाँ उद्धव ठाकरे, और मैं 1265 रुपए का पटना का एक रिपोर्टर, ममता कुलकर्णी की चकाचौंध देखकर तो मैं मतलब आप कहते हैं जो सिनेमा जो आप दीवाना हो जाना, मैं क्या बात करता नहीं बात करता ये एक अलग समस्या थी। खैर मेरे लिए उद्धव ठाकरे साहब ही बात कर रहे थे, ममता कुलकर्णी ने अपनी बातें कहीं, देखिए मेरा ऐसे करेक्टर एसोसिएशन हुआ, मेरा ऐसे मानहानि हुआ, ये हुआ वो हुआ, और वो जमाना था ममता कुलकर्णी का जब उनकी फिल्में देखने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी। तो खैर उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे कहा, लेकिन इस बीच ये हुआ था कि यूएन विश्वास की टीम ने, सीबीआई की टीम ने ममता कुलकर्णी से पूछताछ कर ली थी, ये मेरे लिए एक और सहारा था, लेकिन इसके संबंध में कोर्ट में दस्तावेज जमा होने जरूरी थे जो अब तक नहीं हो पाए थे। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने बाला साहब ठाकरे के हवाले से, बाद में बाला साहब ठाकरे से भी मिली, पैर छूकर प्रणाम की, जिस तरीके से सभी लोग बाला साहब ठाकरे से मिलते थे, तो उद्धव ठाकरे जी ने सीधा सीधा कहा कि आप ये मुकदमा वापस कर लीजिए। उन्होंने कहा, पूछा भी कि क्या आप ऐसे किसी कार्यक्रम में गई थी, उन्होंने स्वीकारा कि हाँ मैं गई थी, लेकिन मुझे क्या पता कि आयोजक कौन है। हाँ उन्होंने यह भी स्वीकारा कहा, और देखिए यह बात हम लोगों ने कभी कही भी नहीं थी कि उस कार्यक्रम में लालू प्रसाद मौजूद थे। तो ममता कुलकर्णी ने कहा कि हाँ मैं गई थी प्राइवेट पार्टी में वहाँ, लेकिन अब जो लोग बुला रहे हैं या बुलाने वाले हैं क्या वे चारा घोटाले में शामिल हैं या क्या है ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, क्योंकि स्टार सेलिब्रिटीज को क्या है, वो तो आप इनवाइट करेंगे तो जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस लेंगे और फिर चले जाएंगे। हाँ, तो अब उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि देखिए इस बातचीत को यहीं खत्म कीजिए, अगले दिन कोर्ट में सुलहनामा पेश होगा। अब सुलहनामा की बात हो गई, यह सही है कि मेरे कागजात भी उद्धव ठाकरे ने बनवाए, वकील का भी इंतजाम किया, सुबह कोर्ट में पेशी हुई, ममता कुलकर्णी भी आई, मैं भी गया, और फिर कोर्ट में 10 मिनट की प्रक्रिया बाकी तो शिवसेना के लोगों ने और उद्धव ठाकरे के लोगों ने, बाला साहब ठाकरे के लोगों ने कर दी थी। तो ये वो वाक्य है आलोक कि जब ममता कुलकर्णी ने 1265 रुपए के तनख्वाह पर काम करने वाले रिपोर्टर ज्ञानेश्वर पर 5 करोड़ का मुकदमा कर दिया और फिरा था चारा घोटाला, जब मैं मुकदमा में सुलहनामा दाखिल हो गया, उसके बाद सिद्धि विनायक मंदिर गया, मैंने गणेश जी को प्रणाम किया बहुत बहुत, उसके बाद बाला साहेब ठाकरे के पास गया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, मिठाई खिलाई, और फिर से मैंने दिल्ली वाले मित्र को कहा कि मेरे वापसी की व्यवस्था करा दी। आपके मित्र एमपी साहब ने क्या कहा? नहीं, एमपी साहब तो देखिए मेरे मतलब मेरे मित्र भी थे, मेरे सीनियर भी थे और मेरे पारिवारिक सदस्य की तरह थे, तो उनकी चाहत और उनकी खुशी का ठिकाना तो था ही नहीं। लेकिन मेरे पिताजी को ये लग रहा था, जिन्हें लगा था कि खून का कतरा कतरा बिक जाएगा तब भी 5 करोड़ नहीं हो सकता है, कि लग रहा था कि चलो ये तो। फिर जब मैं पटना आया तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं मुकदमे में जीत चुका हूँ। नहीं, हाँ मतलब मुकदमा वापस हो गया, मुकदमा खत्म हो गया। तो ये है 5 करोड़ की कहानी आलोक। कुल मिलाकर फॉर्डर स्कैम के पीछे, चारा घोटाले के पीछे, पर्दे के पीछे कई अनसुनी कहानियां थी, जिसमें से एक कहानी आज हमने सुनी है, कैसे ममता कुलकर्णी पटना आई। हाँ, उन्हें जानकारी नहीं थी कि आयोजक कौन है, उसके बाद अखबार में खबर छपी, मुकदमा हुआ 5 करोड़ का, और उसी चारा घोटाले मामले में अब तक लालू प्रसादव की मुसीबतें जो हैं बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। हालांकि आपने जो शुरुआती शब्द में कहा, शुरुआती समय में कहा कि हड़बड़िया नेता है, हड़बड़ा जाते हैं, ठीक है ना, हड़बड़ा जाते हैं, तो हड़बड़ में ही क्या गड़बड़ हो रही है बिहार में? हाँ, हड़बड़ में ही गड़बड़ हो रही है। देखिए, विजिलेंस थाना में शिकायत दर्ज कर दी, एक जमानत हुआ नहीं, एक मुकदमा और पहले से तैयार है। लाइव सीरीज का बना है ये कहानी, अगर आपको पसंद आई हो, कहानी सुनने में अच्छा लगा हो, और ये समझना भी होगा हमें कि अगर संघर्ष करें, आसानी से सोचें, कोई मुसीबत बड़ी नहीं होती है। ट्विटर हैंडल पर भी लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।